हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का न्यू लाइट नीट के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आप सभी ने संडे को नीट बायो टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 17 दिया। पूरी मेहनत से आप लोगों ने दिया। आइए जानते हैं बच्चों, आपके टेस्ट नंबर 17 में कौन से बच्चे थे जिन्होंने टॉप किया। तो बच्चों, टॉप परफॉर्मर्स की लिस्ट है ये। फर्स्ट रैंक है सूर्यभान की। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ब्रांचेस के नाम जरूर लिखे हुए हैं, लेकिन ये तो आप सभी जानते हैं कि ये टेस्ट टोटली ऑनलाइन मोड में कंडक्ट हुआ। सूर्यभान का स्कोर था 695। सेकेंड रैंक है श्रेयांश सिंह 686। थर्ड रैंक संतोष कुमार यादव 685। फोर्थ रैंक पंकज कुमार 685। फिफ्थ रैंक सिद्धांत पांडे 685। सिक्स्थ रैंक अनुज सिंह 685। सेवन्थ रैंक अंशिका चावला 683। एट्थ रैंक कुलदीप वर्मा 681। नाइन्थ रैंक अंशुल वाजपेयी 680। और टेंथ रैंक है अफ़ान खान की 677 के साथ। तो प्यारे बच्चों, ये थे ओवरऑल टॉपर। आप लोगों को मालूम है कि पूरे उत्तर प्रदेश से बच्चे टेस्ट दे रहे हैं न्यू लाइट इंस्टीट्यूट का। सभी बच्चों ने ऐप से टेस्ट दिया। कई बार आप सबकी इच्छा रहती है कि जिस सिटी से हमने टेस्ट दिया उस सिटी में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके आए। तो बच्चों, अगर सिटी वाइज बात करी जाए तो सूर्यभान, यहाँ पर मैं फिर बता दूँ, ये जो ब्रांचेस लिखी हुई हैं बेटा, ये ब्रांचेस का मतलब ये है कि आपने कौन सी सिटी से इनरोलमेंट कराया था। अब तो ब्रांच का कोई मतलब ही नहीं, जानते हैं कोविड की वजह से सारे ही टेस्ट ऑनलाइन मोड में न्यू लाइट इंस्टीट्यूट की ऐप के थ्रू आप दे पा रहे हैं। सूर्यभान कानपुर के हिसाब से टॉपर हैं 695 के साथ। अगर ऑनलाइन में देखा जाए तो ओवरऑल टॉपर अनुज सिंह हैं ऑनलाइन में 685। पंकज कुमार वाराणसी से हैं 675। महफूज खान लखनऊ से हैं 670। और गोंडा से देखा जाए तो मुरली मनोहर गुप्ता जी हैं 670 ही स्कोर के साथ। शुभम है इलाहाबाद से 651 के साथ। और सुचिता गुप्ता भी हैं गोरखपुर से 559 स्कोर के साथ। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे टॉप 10 के बच्चे थे उन सभी के स्कोर 677 प्लस हैं। तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल परेशान ना हो, ऐसे ही मेहनत करते रहें। और जिन बच्चों के इतने मार्क्स आए हैं, कोशिश करें कि जो गलतियां आपकी गलती से दो चार क्वेश्चन गलत हो गए उनको भी इम्प्रूव करें और कोशिश करें कि और नंबर बढ़ाएं आप। सो दिस इज ऑल। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।